महिलाओं के साथ अश्लील हरकत और दुकानदारों को परेशान किए जाने के मामले में फरार आरोपी अजय दुबे को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर धर दबोचा, साथ ही उसे शहर की सड़क पर घुमाकर जुलूस निकाला। दुर्ग के पचरीपारा वार्ड में बीते दिनों हुए लड़ाई झगड़े में महिलाओं के साथ गाली गलौज, महिला को अश्लील फोटो भेजने और दुकानदार को धमकी देने आदि के मामले में लिप्त आरोपी अजय दुबे को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना प्रभारी महेश ध्रुव ने बताया कि पचरीपारा निवासी पूर्व पार्षद अजय दुबे के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। पूर्व में आरोपी ने मोहल्ले में ही रहने वाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की थी, किसी महिला को अश्लील फोटो भी भेजी थी। कुछ दिन पूर्व आरोपी अजय दुबे ने एक दुकानदार को रकम की मांग करते हुए धमकी भी दी थी, जिसके तहत आरोपी अजय दुबे के खिलाफ पास्को एक्ट की धारा 9 के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। साथ ही स्थानीय बाजार और मुख्य मार्ग पर पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला और उसे घुमाया। इस संबंध में दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी महेश कुमार ध्रुव ने अपनी जानकारी दी। ये पीड़िता के द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि एक अजय दुबे नाम का एक गुंडा बदमाश है जो पचरीपारा एरिया का रहने वाला है, उसके द्वारा जो है संबंधित पीड़िता को रास्ता रोक कर डरा धमका कर अश्लील हरकत जैसी घटनाएं किया है करके, और इस आवेदन पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था करके। इसके अलावा जो है वो तीन और अन्य प्रार्थियों के द्वारा अपराध पंजीबद्ध अजय दुबे के खिलाफ में कराया गया है। अजय दुबे की लगातार गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। अजय दुबे जो है अपनी गिरफ्तारी के डर से लगातार कोंडागांव और चिरमिरी जैसे जगहों पे लुक छिप रहा था कि कल मुखबिर से सूचना मिली कि वह पदनापुर एरिया में घूम रहा है करके। इस सूचना पर पुलिस जाकर उसको को रेड कर कार्रवाई की है और आज आरोपी को रिमांड पर भेजा जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।